आज सीएम योगी आदित्यनाथ शामली जिले को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। सीएम योगी शामली में पुलिस लाइन सहित 260 करोड़ रुपए की विकास कार्य योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सीएम के दौरे की तैयारियों को लेकर प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगे हैं। किसानों का आरोप है कि अफसरों ने पुलिस ऑफिस और उसके आसपास की करीब 65 एकड़ जमीन की फसल पर जेसीबी चलवा दी है। खेतों में तैयार फसल बर्बाद किए जाने पर किसानों में भारी आक्रोश है। इन आरोपों पर सवाल किए जाने पर कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने कहा है कि किसानों की समस्या सुनकर समाधान किया जाएगा। पुलिस वालों ने अपना ये लाठी वाठी लगा के जबरदस्ती करके अपना ये भूमि खाली करवा दी, फसल जुटवा दी, गन्ने की खड़ी फसल जुटवा दी, गेहूं की खड़ी फसल जुटवा दी, सरसों पकने वाली थी बिल्कुल पता नहीं पक जाती, उसको जोत दिया गया जबरदस्ती। रोकने का जितने प्रयास किया गया उसे अपना लाठी से वाई पेश आए। पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पे आने वाले हैं कसिला विन्यास करने के लिए पुलिस लाइन का, उसी की वजह से खाली किया गया कि उनको कुछ दिखाई ना दे, फसल वगैरह वो पूछ ना सके यहाँ पे कैसी फसल खड़ी हुई है, किस लिए फसल खड़ी है, कैसी जमीन है, इसीलिए पहले देखो खाली करा दिया गया जी। हमारी फसल खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया गया, ट्रैक्टर घुमा दिए गए, चार चार ट्रैक्टर में घूम रहे थे, जेसीबी घूम रही थी और सारी फसल एक तरफ से खत्म कर दी। क्यों जी? यहाँ मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है कल, अच्छा। उसी के लिए उन्हें दिखाने के लिए कि भाई हम लोगों ने सब सफा कर दिया, यहाँ कुछ नहीं है। नहीं, हमारे तमाम परिवार के लोग हैं, सारे हमारा परिवार है और हमारी जिलाधिकारी ने भी बड़ी संवेदनशीलता के साथ, यहाँ के अधिकारियों ने भी संवेदनशीलता के साथ इनके तमाम विषय को सुना है और जो भी विषय है सारे विषय को सुन करके, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि किसानों के लिए जो भी बेहतर से बेहतर होता है उसे करने का काम योगी जी करते हैं। तमाम लोगों की समस्या सुन करके इसका भी समाधान करेंगे। रूट मैप इसका चार्ट तैयार किया गया है, चाहे वो मंच की व्यवस्था हो, डी की हो, चाहे जनसभा की हो और हेलीपैड की हो, सबकी पर्याप्त उसमें बैरिकेडिंग कराई गई है। इनर कॉर्डन, आउटर कॉर्डन, हर जगह पे वहाँ पे ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और डिप्टी एसपी और उनके ऊपर एडिशनल एसपी के नेतृत्व में सारी ड्यूटियों का जो है संचालन किया जाएगा। ये लमसम आप समझिए लगभग 4 कंपनी पीएसी है जो हमें बाहर से मिल गई है और 8 डिप्टी एसपी और लगभग 500 कॉन्स्टेबल्स हमें बाहर से मिले हैं, तो पर्याप्त पुलिस हमारे पास ऑलरेडी जनपद में भी मौजूद है। सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई कमी रहने नहीं दी जाएगी। आज मुख्यमंत्री नोएडा के सेक्टर 108 में बने पुलिस कमिश्नर के नए दफ्तर का उद्घाटन करने वाले हैं। सीएम योगी के गौतम बुद्ध नगर दौरे को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां भी पूरी की हुई हैं। गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने सीएम योगी के दौरे की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद सीएम योगी का कल पहला दौरा है। सीएम के दौरे के मद्देनजर नोएडा अथॉरिटी के सभी ऑफिस भी खुले रहेंगे। मुख्यमंत्री जी इस कार्यालय और जो नई कमिश्नरेट प्रणाली है इसका उसके मुख्यालय का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। इस कार्यालय की जो संरचना है वो सीपी के अतिरिक्त लॉ एंड ऑर्डर, हेडक्वार्टर और महिला सुरक्षा के संबंधित जो अधिकारी हैं उनके कक्ष यहाँ पे रहेंगे और बाकी हमारा जो बैकएंड का है, जो हेडक्वार्टर्स का है, वो सूरजपुर से चलेगा और इस व्यवस्था को कल इसका शुभारंभ होने जा रहा है। यहाँ की तैयारियाँ लगभग सभी पूर्ण हैं। और लोमस इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोमस, आज कार्यक्रम रहने वाले हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ के शामली भी पहुंचेंगे जहां पर विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। इसके बाद नोएडा का भी रुक उनका यहां पर रहेगा जहां पर उद्घाटन करेंगे नए बिल्डिंग का। ऐसे में कार्यक्रम किस किस तरीके से किस किस समय पहुंचेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सीएम उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम आज लगे हुए हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लखनऊ में पहला कार्यक्रम उनका सुबह 9 बजे लगा हुआ है जिसमें वो आरोग्य मेले का निरीक्षण करेंगे जहां पर बच्चों को उपकरण भी बांटेंगे और साफ तौर पर आप देख सकते हैं। उसके बाद वो ऋषिकेश के लिए प्रस्थान करेंगे जहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में वो शिरकत करेंगे और वहाँ पर कुछ देर वो वहाँ रुकेंगे। उसके बाद शामली के लिए प्रस्थान करेंगे और शामली में जा करके 260 करोड़ के विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। उसमें कहीं ना कहीं पुलिस लाइन, जो नया पुलिस लाइन
बना है उसका भी वो शिलान्यास करेंगे और कई सारे विकास जो योजनाएं हैं वहां चल रही हैं उनका भी शिलान्यास वो वहां पर करेंगे। उसके बाद वो शाम को नोएडा के लिए प्रस्थान करेंगे जहां पर सेक्टर 108 में बने नए पुलिस कमिश्नर ऑफिस का वो उद्घाटन करेंगे, क्योंकि कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद पहली बार नोएडा पहुंचेंगे और वहां पर उनके लिए विशेष तैयारी की गई है पूरी तरीके से, क्योंकि आज सभी ऑफिस या नोएडा प्राधिकरण के ऑफिस हो या फिर तमाम जो अधिकारी हो वो आज मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल लोमा, से यहाँ पर देखा जाए सीएम योगी आदित्यनाथ के आने को लेकर जो तस्वीर एक दूसरी तरफ सामने आई है किसानों को लेकर तैयारियां क्योंकि जाहिर तौर पर की जाती है जब मुख्यमंत्री कहीं भी पहुंचते हैं, ऐसे में कहा जा रहा है कुछ किसान हैं जिनकी जो फसल है उसको बर्बाद कर दिया गया क्योंकि मुख्यमंत्री पहुंच रहे थे। बिल्कुल, क्योंकि शामली में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे 260 करोड़ की जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास करेंगे और शामली में जो नवीन पुलिस लाइन बनाया उसका भी उद्घाटन करेंगे और उससे पहले ये खबर मिल रही थी कि वहां पे जो किसानों की आसपास फसलें थी उसको पुलिस वालों ने कहीं ना कहीं जेसीबी चलवा करके बर्बाद करवा दिया है, जो वहां के स्थानीय प्रशासन ने बर्बाद करवाया था कहीं ना कहीं उस पर साफ तौर पर डीएम ने एक्शन लिया है। उन्होंने पूरी तरीके से जो किसानों की परेशानी थी उनको सुना है और कहा है कि भरोसा रखिए हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, अगर कोई भी इसमें गुनहगार पाया गया तो पूरी तरीके से इसमें कार्रवाई होगी और जो भी किसानों का क्षतिपूर्ति है वो प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जो तैयारी से पहले इस तरह का कार्य पुलिस वालों ने किया है, जो वहां के स्थानीय प्रशासन के द्वारा किया गया है, तो किसान उसको लेकर काफी गुस्से में है क्योंकि उनकी फसल कुछ दिनों के बाद कटने ही वाली थी लेकिन उससे पहले जैसे भी उस पर चला दिया गया और काफी फसल उनके नुकसान कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया लोमस आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड का दौरा करेंगे जहां ऋषिकेश में आज से शुरू हो रहे अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में शिरकत करेंगे। 31वें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में दुनिया भर से योगाचार्य और योग साधक शिरकत करने पहुंचेंगे। योग महोत्सव को लेकर सुरक्षा और यातायात के बेहतर इंतजाम भी किए गए हैं। 7 दिन चलने वाले योग महोत्सव में सुबह 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक योग ज्ञान और प्रशिक्षण दिया जाएगा। रामानुज इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद यहां पर पहुंचेंगे, किस समय पहुंचेंगे और उसके अलावा अगर यहां पर बात कर ली जाए क्योंकि जो पूरा योग का कार्यक्रम होगा जाहिर तौर पर ऋषिकेश डेवलप भी हो रहा है योग को लेकर, ऐसे में कितना महत्वपूर्ण ऋषिकेश के लिए हो जाता है, सीएम योगी जब यहां पर पहुंचेंगे तो कौन कौन और लोग उनके साथ यहां पर मौजूद रहने वाले हैं? शिल्पा, 11:30 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, इसके बाद हेलीकॉप्टर से वो योग नगरी ऋषिकेश जाएंगे और चूंकि योग का जो आज का कार्यक्रम है वो ऋषिकेश में किया गया है, गंगा के तट पर है और सुरक्षा के मद्देनज़र हो या वीआईपी मूवमेंट के चलते हो पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और यातायात के मद्देनज़र भी जगह जगह पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। चूंकि योगी आदित्यनाथ का प्रोग्राम करीब 2.5 घंटे का है और इसलिए व्यापक तौर पर सुरक्षा की गई है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और साथ में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के साथ में कई वीआईपी और योग साधक आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और चूंकि 11:30 बजे से ये प्रोग्राम शुरू होगा, सारे वीआईपी और मुख्यमंत्री दोनों राज्यों के रहेंगे, तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये 7 दिन तक चलने वाला योग काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। पहली बात आप ये देखिए कि चूंकि ऋषिकेश का जो नाम है वो योग के रूप में मशहूर है, एक योग नगरी के तौर पर जाना जाता है और इसमें देश विदेश के भारी संख्या में योग साधक पहुंचेंगे और उनको जो आम लोग आते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है किस तरह से योग से वो अपने आप को फिट रख सकते हैं, योग का क्या महत्व है और योग कितना आम लोगों के जीवन के लिए जरूरी है, इन तमाम विषयों पर 7 दिन तक चर्चा परिचर्चा होगी। सुबह 4 बजे से लेकर के 9 बजे तक का ये जो कार्यक्रम होता है इस वक्त पतित पावनी गंगा के तट पर योग साधक प्रशिक्षण देते हैं और कुल मिलाकर सीधे तौर पर कहा जाए तो ऋषिकेश के लिए भी काफी फायदेमंद यहां पर ये कार्यक्रम रहने वाला है। लगातार आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे इसको लेकर। अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।